गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल वॉचिंग माई वीडियो. डियर व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर्मल लेटर्स. पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनफॉर्मल लेटर के बारे में. आपके सामने एक एग्जांपल भी जो है बताया था, एक लेटर लिख के बताया था किस तरीके से इनफॉर्मल लेटर को डील करते हैं हम, या इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है. तो वो चीज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनके पार्ट्स के बारे में भी हमने बात की थी. और आज बात करेंगे फॉर्मल लेटर्स की. फॉर्मल लेटर्स फॉर्मल पर्सन्स के लिए लिखे जाते हैं, आपको पता है. इनफॉर्मल लेटर्स हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, है ना, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इनको लिखे जाते हैं. लेकिन हम आज तो बात किसकी कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे हैं. तो फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन से लेटर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कंप्लेंट्स. कोई कंप्लेंट्स हमें रजिस्टर करानी होती है किसी भी ऑफिशियल को, अपने लोकेलिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी के अंदर, ठीक है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, या फिर रोड्स की कंडीशन सही नहीं है, वाटर सप्लाई इरेगुलर है, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो चुकी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को की कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए हम लेटर लिखते हैं. तो वो सभी लेटर्स क्या कहलाते हैं, फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं. और जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होती है उसके लिए लेटर लिखा जाता है, कंप्लेंट किया जाती है उसको. इंक्वायरी, इसी के साथ में इंक्वायरी लेटर्स जो होते हैं, है ना, हमें किसी भी तरह की इंक्वायरी हासिल करनी है किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, है ना, जॉब रिलेटेड इंक्वायरी भी हो सकती है, हमारी स्टडीज रिलेटेड इंक्वायरी हो सकती है ना, कि हम किस तरीके हम किसी तरीके का डिप्लोमा या फिर कोई भी हम कोर्स करने जा रहे हैं, या फिर हमारी जो स्टडीज हैं उनको लेकर के हम इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, है ना. और किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी लेटर्स भी किसमें इंक्लूड होते हैं, फॉर्मल लेटर्स में इंक्लूड होते हैं. इसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कोई भी फर्म है, कोई भी शॉप है, कोई बड़ी दुकान है ना, उससे हम कोई चीज खरीदनी है, हमें कोई चीज लेनी है, कोई भी प्रोडक्ट हमें लेना है, तो उसके लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है. बुक्स हो सकती है, बुक्स हमें मंगवानी है ना, और भी गारमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है, तो उसके लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना है. तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए भी हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, और उसको फॉर्मल लेटर हम कहते हैं. लेटर टू द एडिटर, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी सोसाइटी के अंदर, कोई भी जो किसी भी इशू पे हमें अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, तो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए, कि हमारे व्यूज, हम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हमारे जो व्यूज हैं वो पब्लिश होने चाहिए न्यूज़पेपर में, हम ये चाहते हैं. या फिर कोई भी इशू है उसको हम उठाना चाहते हैं उस अथॉरिटी के सामने, या फिर लोगों के सामने हम लाना चाहते हैं उस परेशानी को, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे लोकेलिटी में, हमारी सोसाइटी में हुई है, ठीक है, और उसको हम किस में पब्लिश करवाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले, ठीक है. तो इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं उसको. तो उसके लिए हमें किसको लेटर लिखना पड़ेगा, एडिटर को, क्योंकि जब हम लिखकर देंगे लेटर, जब हम लिख के देंगे तब वो हमारी जो भी हम बात कहना चाहते हैं उसको किस में पब्लिश करेगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा. तो हम कोई कंप्लेंट भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, या किसी भी इशू पे अपने जो विचार हैं, अपने जो व्यूज हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एडिटर को लेटर लिखना होता है, फिर एडिटर अपने व्यूज को न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, या अपनी कंप्लेंट को न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है. तो एक ये हो गया आपका लेटर टू द एडिटर. इसी के साथ में जॉब लेटर्स भी होते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं, हमें रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए भी हम क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं. रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए, रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसके लिए जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया है न्यूज़पेपर के अंदर, या किसी भी सोर्स से हमें पता चला कि कोई भी जो जॉब प्रोवाइडर है वो हमें वो जॉब प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे और अपनी कैंडिडेचर ऑफर करेंगे कि भाई मैं इस तरीके से क्वालिफाइड हूँ और इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ और मुझे ये जॉब चाहिए. तो हमें क्या, लेटर लिख करके अपनी कैंडिडेचर जो है ऑफर करनी होती है, वहाँ पे अपनी सदस्यता हम ऑफर करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के सामने. तो वो कहलाते हैं आपके जॉब लेटर्स, जो जॉब्स के लिए लिखे जाते हैं. तो इस तरीके से फॉर्मल लेटर्स में ये लेटर इंक्लूड होते हैं, कंप्लेंट्स, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर टू द एडिटर, जॉब लेटर्स. अब बात करते हैं हम जो फॉर्मल लेटर होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं. तो फॉर्मल लेटर्स के मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिख रखे हैं अलग अलग, है ना, फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है उधर, कि जो किस किस तरीके से हम फॉर्मल लेटर को डील करेंगे.
इससे पहले देखिए मैंने दो कॉलम यहाँ पे बना रखे, तीन कॉलम मैंने बनाए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम वहां पे मैंने फॉर्मेट की जो हेडिंग्स हैं वो लिख रखी है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें होती है फॉर्मल लेटर में। फिर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आपके सामने, अब मैं यहाँ पे उन चीजों को यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है, रियलिटी में जो लेटर जब हम लिखेंगे उसमें किस तरीके से इन चीजों को हम लिखेंगे, सेंडर एड्रेस को कैसे लिखेंगे, डेट को कैसे लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस को कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन है ना, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर वगैरह, ये सब पार्ट्स। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात आती है सेंडर से एड्रेस की, यानी भेजने वाले का पता, यानी जो लेटर लिखने वाला है, जो लेटर राइटर है उसका एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले, इनफॉर्मल लेटर में भी बताया था आपको। फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं रिसीवर से एड्रेस, रिसीवर से एड्रेस कौन है, जिसको भी हमने लेटर लिखा है। सेंडर कौन हो गया, जो लेटर लिख रहा है। रिसीवर कौन हुआ, जिसके नाम से लेटर लिखा जा रहा है ना, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसके जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, तो वो हो गया आपका रिसीवर। तो रिसीवर को जो है हम लिखेंगे, रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट कहां से मिलेगा हमें, क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। कई बार तो क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें सब्जेक्ट सीधा सीधा मिल जाता है, कई बार हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म करना पड़ता है सब्जेक्ट, है ना, कि क्या सब्जेक्ट हो सकता है इसका, बिना सब्जेक्ट के कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। सब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो तो सब्जेक्ट उसमें होना जरूरी है। एक बार ये हो सकता है कि सेंडर एड्रेस नहीं दिया हुआ हो, है ना, वो हमें इमेजिन करना पड़ता है फिर उस कंडीशन में, किसको लिखना है ये भी क्लियर होगा क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ होगा कि लेटर किसको लिखना है, तो ये सारी चीज क्वेश्चन में दी होती है। बॉडी ऑफ द लेटर, अभी बॉडी ऑफ द लेटर जो है ये डिफर करती है किसके अकॉर्डिंग, जैसा लेटर है उसके अकॉर्डिंग बॉडी ऑफ द लेटर वो भी बदलती रहेगी, हालांकि चीजें तो तीनों सब में सेम रहेगी। सबसे पहले हम बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, है ना, जिस भी पर्पज से हम लेटर लिख रहे हैं उस पर्पज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे उसका थोड़ा, है ना। उसके बाद में हम मेन कंटेंट बनाएंगे लेटर का, कुछ हेल्प हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी, काफी चीजें हमें क्वेश्चन से मिल जाती है। कई बार क्या होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा आपका उतनी ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इनपुट किसमें दिया होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है, सारी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में ही शो की हुई होती है, हमें बस वहां से शॉर्ट आउट करके उनको आंसर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस इतना सा है बस, ठीक है। और थोड़े से प्रोनाउन चेंज होते हैं, जैसे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं, थर्ड को सेकेंड में करके, इस तरीके से कैसे करते हैं वो जब हम लेटर लिखेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, और लास्ट में कंक्लूड करते हैं फिर अपने लेटर को। हम इंट्रोड्यूस करा दिया, मेन कंटेंट बना दिया, फिर हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन, है ना, इस तरीके से लेटर का मेन जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो हम फॉर्म करते हैं। उसके बाद वही इनफॉर्मल लेटर की तरह सब्सक्रिप्शन होता है, वहां पे सब्सक्रिप्शन हम लिख रहे थे क्योंकि वो इनफॉर्मल था, तो हम वहां पे फादर को लिख रहे थे, तो हम लिख रहे थे यूर लविंग सन, यूर लविंगली, यूर अफेक्शनेटली, है ना। लेकिन यहाँ पे ये लोग हमारे रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, फादर मदर अंकल सिस्टर ब्रदर नहीं है, तो अब हमारा जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे यूअर्स फैथफुली, ठीक है, इस तरीके से। सब्सक्रिप्शन के बाद में सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है जनरली हमें, है ना, जो अपना नेम है वो हम नेम लिख देते हैं यूअर्स फैथफुली लिख करके नीचे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट पार्ट्स हैं लेटर राइटिंग के, जो कि फॉर्मल लेटर्स इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से लेकर के यहाँ पे इन पार्ट्स जो है उन हेडिंग्स जो है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लेटर लिखने की लिख करके आपको बता रहा हूँ। इसकी जो मेन बॉडी है ना, मेन कंटेंट जो है बॉडी ऑफ द लेटर, वो अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको, जो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे उसके अंदर, इसमें सिर्फ अभी पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इससे आपको फाइंड आउट करना है, क्लियरली दिया हुआ होता है, यू आर आरविश और अरुबा, ए रेजिडेंट ऑफ D46 गायत्री नगर मावली, क्लियर नजर आ रहा है क्या, आप रेजिडेंट हो, कहाँ के रेजिडेंट हो, कहाँ के निवासी हो, D46 गायत्री नगर मावली, तो आपका ये एड्रेस हो गया पूरा D46 गायत्री नगर मावली, है ना। कई बार ऐसे दिया होता है क्वेश्चन में यू आर आरविश अरुबा फ्रॉम, है ना, ये नहीं होगा ए रेजिडेंट ऑफ, सीधा लिखा फ्रॉम, मतलब से कहां से हो तुम, D46 गायत्री नगर मावली। कई बार ऐसे होता है यू आर अरविश अरुवा लिविंग एट D46 गायत्री नगर मावली, यू आर अरविश अरुवा ऑफ, ऑफ से भी लिखा जाता है ऑफ, है ना, D46 गायत्री नगर मावली, तो यू आर, है ना, यू आर कोई भी नाम हो सकता है XYZ, कहां से हो, उसके बाद में वो वहां पे वो प्लेस दिया था। तो पहले आपकी आइडेंटिटी बता दी आप कौन हो,
और आपका रेजिडेंस कहाँ पे, आपकी जो लोकेशन है वो लोकेशन भी यहाँ पे बता दी। इस तरीके से हमें आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर से जो है फाइंड आउट करना कि जो है सेंडर कौन है, ठीक है, और उसका एड्रेस क्या है। तो जब सेंडर कौन है आपके, कह यू आर, आप हो, ठीक है, तो आप कौन हो, आप अरविश हो या अरोबा हो, और कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। तो हम समझ गए कि ये सेंडर एड्रेस हो गया। फिर लिखा है आगे, इसमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, चलो पहले ये लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे ये मार्जिन होता है नोटबुक का, उसके जस्ट यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, जैसा मैंने वहां पे लिखा है। तो D46 कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे एक यूनिट हो गई, ये मकान नंबर हो गया, एक तरीके से हाउस नंबर हो गया ये, है ना। उसके बाद में कॉलोनी वगैरह आ जाती है, तो यहाँ पे लिखा है गायत्री नगर, अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ा सा और लगता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और मावली हम यहाँ नीचे लिख देंगे फिर, मावली, है ना, फुल स्टॉप वगैरह में नहीं लगाना है, ऐसे ही छोड़ना है सिंपल। तो D46 गायत्री नगर मावली, यहाँ पे ये नहीं कि हम कॉमा लगाए, कॉमा भी हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में क्या लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं डेट। तो डेट थोड़ा हम स्पेस देकर के थोड़ा डेट लिख देंगे, लगभग एक लाइन छोड़ देंगे हम, है ना, और डेट लिख देंगे, जैसे आज यहाँ पे 6 नवंबर, तो 6 नवंबर 2020 डेट लिखने का ये फॉर्मेट होता है। मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर में भी बताया था, अगर आप इस तरीके से लिखते हो डेट 06/11, है ना, 2020 इस तरह से लिखो तो थोड़ा सा गलत माना जाता है। हमें मंथ का नेम इंग्लिश में लिखना है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, रिवर्स, November 6, 2020 भी इसको कर सकते हैं, दोनों तरीके से यहाँ पे कह सकता है। तो ये आपकी डेट हो गई, और डेट कौन सी लिखते हैं, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखी जाती है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, डेट कौन सी जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है, उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेस ऑफ एड्रेसी, एड्रेसी मतलब जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है, जो पाने वाला है, जो लेटर जिसको जाकर के मिलेगा, या जिसके नाम से हम लेटर लिख रहे हैं, है ना, जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखते हैं। तो वो भी कहां होता है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्वेश्चन से हमें देखना है। ये तो सेंडर एड्रेस हो गया, अब आगे पढ़ने क्वेश्चन को तो हम पता हमें लगेगा, यहाँ तक हमने पढ़ी लिया। इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्ट बैन ऑन द यूजेस ऑफ पॉलिथीन बैग्स बाय द गवर्नमेंट, यू ऑफन कम अक्रॉस प्लास्टिक बैग्स लिटर्ड अराउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट ए लेटर। अब आपको यहाँ ऑर्डर किया जा रहा है, आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, है ना, क्या इंस्ट्रक्ट किया गया आपको, लेटर लिखने के लिए, राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो, टू किसको, टू के लिए, किसके लिए लिखो, द एडिटर, ठीक है। तो लेटर तो हमारा जिसके पास पहुंचेगा या जो पाने वाला है वो कौन हो गया, देखिए वो हो गया द एडिटर, है ना, यानी लेटर लिखा जा रहा है किसको, एडिटर को, किसको लिखा जा रहा है लेटर, एडिटर को, ठीक है। अब यहां पे कुछ और न्यू एड्रेस वगैरह उसका नहीं दिया है, इसका मतलब हमें खुद को फॉर्म करना आना चाहिए, तो यहां पे हमने लिखा द एडिटर, ओके, कॉमा वगैरह लगा देते पहले इस तरीके से, वो अब आजकल नहीं लगाया जाता, उसको सिंपली ऐसे लिखा जाता है बिना कॉमा के। अब अगर कॉमा अगर इस तरह से लगाते हो आप बार बार, तो उसको गलत माना जाता है, ठीक है ना, जो मॉडर्न ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। अब न्यू ट्रेंड में आपको कॉमा नहीं लगाना है। द एडिटर, अब देखिए जो रिसीवर एड्रेस जो बनता है ना, वो कैसे बनता है, रिसीवर एड्रेस बनता है, सबसे पहले तो उस ऑफिशियल का नाम होना चाहिए, उस ऑफिशियल नाम मीन्स, नाम मेरे कहने का मतलब उसका पद, डेजिग्नेशन, है ना, उसका पद होना चाहिए। अब यहाँ पे एडिटर के लिए लिख रखा है कि एडिटर को लिखना है, तो ये तो उसका पद हो गया द एडिटर, ठीक है ना। अब ये एडिटर किससे रिलेटेड है, वो उस संस्था, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो फर्म या वो इंस्टीट्यूट, वो भी तो होना चाहिए। अब ये एडिटर है तो एडिटर किसका है, एडिटर किसका होता है, न्यूज़पेपर का होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर का नाम लिखना पड़ेगा, भाई एडिटर है तो किसी न्यूज़पेपर से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे इसने देखा है लोकल, है ना, लोकल न्यूज़पेपर, है ना, ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर दिल्ली, यानी जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं जो हमारे एरिया में सर्कुलेट होते हैं, जो हमारे एरिया में चलते हैं, वो न्यूज़पेपर। अगर आपको ये कहता कि नेशनल न्यूज़पेपर बोलता, है ना, तो हम क्या करते, तब हम जो नेशनल लेवल पे जो न्यूज़पेपर चलते हैं हमारे कंट्री के अंदर, वो लिखते द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनको ज्यादा प्रीफर करते हैं हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो हम लिखते द हिंदुस्तान टाइम्स,
द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह का हम कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर नाम यहां पे दिया हुआ है, कई बार क्या होता है नाम दिया हुआ होता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, वॉइसिंग योर कंसर्न, तो स्पष्ट कर दिया, उसने क्लियर कर दिया, न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तब हमें द टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखना है। अब यहां पे कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया, उसने दिया लोकल न्यूज़पेपर, तो हम कोई भी लोकल न्यूज़पेपर लिख देंगे, द राजस्थान पत्रिका, है ना, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले जो है द आर्टिकल लगा जाता है, इसलिए मैंने वहां पे द लगा दिया। कोई भी जो ऑफिशियल पोस्ट होती है उसके पहले भी द लगाया जाता है, वो क्वेश्चन में भी दिया होता है, क्वेश्चन से ही पता चल जाता है, खैर वो तो देखो वहां पे एडिटर के पहले भी लगाया द एडिटर, द एडिटर, है ना, तो यहां पे लिख द एडिटर द राजस्थान पत्रिका, ओके। और अपनी लोकलिटी के हिसाब से अपन लिख देंगे जगह जो अपने को जो बताई गई है ना, मावली, ठीक है, लोकल के हिसाब से लिख दिया। और मान लो यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स होता, द टाइम्स ऑफ इंडिया होता, तो यहाँ पे जो ये जगह जो लिखी जाती है ना, वो जनरली ऑफिस, देखो ऑफिसर का नाम हो गया, ऑफिशियल का पद हो गया, नाम नहीं पद, है ना, वो डेजिग्नेशन हो गया, वो किस संस्था से, किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस इंस्टीट्यूट से, किस ऑफिस से रिलेटेड है, उस ऑफिस का नाम हमने लिख दिया, है ना, या जो कोई भी संस्था उस संस्था का नाम लिख दिया, है ना। अब वो संस्था या वो ऑफिस कहां पे लोकेटेड है, कहां पे स्थित है, उस जगह का नाम लिखते हैं तीसरी लाइन में, पहले ऑफिशियल ऑफिसर का पद, फिर वो किससे रिलेटेड है वो, उसके बाद में प्लेस। तो ये आपको इस तरीके से रिसीवर एड्रेस बनता है सभी में। अब मान लो यहां पे ये होता द एडिटर नहीं होता, यहां पे होता है राइट ए लेटर टू द सरपंच, है ना, ऑफ योर विलेज पंचायत, तब यहां पे क्या होता, सरपंच ऑफ विलेज पंचायत, राइट ए लेटर टू द सरपंच, इतना होता हाल ही मान लो, और सब्जेक्ट कोई और हो सकता था दूसरा, मैं खाली रिसीवर एड्रेस बनाने की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हम करते द सरपंच, सरपंच कहां से रिलेटेड होता है, ब्लेस पंचायत से रिलेटेड होता है, तो यहां लिखते हैं हम द ब्लेस पंचायत, ओके, मावली, इस तरीके से हो जाता। मान लो यहां पे होता राइट ए लेटर टू द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, ओके, एसपी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, तो हम यहां पे लिखते द पुलिस सुपरिंटेंडेंट, ओके। अब ये कहां से रिलेटेड है, कहां से रिलेटेड है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इसका ऑफिस होता है ना, पुलिस हेडक्वार्टर, है ना, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट जैसे मावली उदयपुर में है, लिख दिया उदयपुर अपन ने, वहां पे क्वेश्चन में भी दिया होता है वैसे जनरली, नहीं दिया तो फिर हमें अपने अपने को खुद को इमेजिन करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी हो सकता था, मान लो यहाँ पे होता मेयर, राइट ए लेटर टू द मेयर। अब कुछ कॉमन सेंस हमें होना चाहिए, कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए, नॉलेज हमें होनी चाहिए अपने आप, जैसे मेयर को लिखा, मेयर को लिखना है लेटर, राइट ए लेटर टू द मेयर, उसने नहीं दिया आगे, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर, नहीं दिया उसने, खाली राइट ए लेटर टू द मेयर लिखा है खाली बस, तो अपने लिख दिया द मेयर, वो तो अधिकारी हो गया। और अपन को पता होना चाहिए कि जो मेयर होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो मेयर होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होता है, तो ये अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है फिर, तो हम क्या लिखेंगे द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई भी जयपुर जो भी प्लेस है उसके हिसाब से, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरे कहने का मतलब है रिसीवर एड्रेस कैसे बनाना है, उस पर मैं डिस्कस किया आपके साथ में, सबसे पहले ऑफिसर का नाम, फिर उसकी संस्था का नाम, और फिर वो संस्था कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है, उस जगह का नाम, इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके से रिसीवर एड्रेस बन जाता है। तो कंप्लेंट लेटर में ये द एडिटर नहीं आएगा, वहां पर कोई ऑफिसर होगा, है ना, जॉब लेटर में सर्विस प्रोवाइडर होगा कोई, द मैनेजर, है ना, द डायरेक्टर, और इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, जगह का नाम आ जाएगा, इस तरीके से रिसीवर एड्रेस क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है बदलता रहता है। तो ये हो गया आपका रिसीवर एड्रेस। फिर आपकी बात आती है किसकी, सब्जेक्ट की, तो फिर हम यहां लिखते हैं सब्जेक्ट, सब जगह हम थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के चल रहे हैं, यहां पे हमने एक लाइन छोड़ी, यहां पे एक लाइन छोड़ी, यहां पे भी थोड़ा सा हमने स्पेस दे दी, एक लाइन छोड़ दी, थोड़ा सब्जेक्ट हमारा अलग से दिखेगा। अब यहां पे सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन से बनाना है, ठीक है, कई बार तो सीधा क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें सब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमें खुद को इन्वेंट करना पड़ेगा सब्जेक्ट, थोड़ा सा सिचुएशन को देख करके। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट तो क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई हो जाता है, अपने आप ही आइडेंटिफाई हो जाता है, कई बार ऐसे आता है, जैसे लिखा आता है राइट ए लेटर रिक्वेस्टिंग द सरपंच ऑफ योर विलेज पंचायत, है ना टू फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इस तरीके से मान लो क्वेश्चन में, तो अब क्लियरली लिखा है कि राइट ए लेटर टू द सरपंच, तो पहले तो जिसको लेटर लिखा जाना उसको पता चल गया सरपंच को लिखा जाना है, कहां से रिलेटेड है, विलेज पंचायत से, ये जगह का नाम लिख दिया,
है ना, रिक्वेस्टिंग हिम है ना टू फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे रिक्वेस्टिंग फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई, सीधा ही पता चल रहा है वो कह रहा है कि रिक्वेस्टिंग हिम, उससे रिक्वेस्ट करते हुए लिखो किसके लिए, फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई। आपने इतना भी लिख दिया मान लो सीधा फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई तो चलेगा, है ना, फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई चलेगा। या आप सीधे लिख दो यहां से उठा दो रिक्वेस्टिंग फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई, ठीक है ठीक है। ये मान लो ऐसे ही होता कि राइट ए लेटर, ठीक है, टू द मेयर है ना, या फिर कोई भी ऑफिशियल पर्सन है ना, टू बैन द यूजेज ऑफ पॉलिथीन बैग्स। लिखा है राइट ए लेटर टू द मेयर टू बैन द यूजेज ऑफ पॉलिथीन बैग्स। तो उसने देखो हमें क्लियर कर दिया, राइट ए लेटर टू द मेयर, मेयर को लिखना है, क्यों लिखना है, टू बैन द यूजेज ऑफ पॉलिथीन बैग्स। तो सीधा अपना सब्जेक्ट सीधा मिल गया अपने को, क्यों लिखना है, टू बैन, टू बैन द यूजेज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, इस सब्जेक्ट बन गया। तो ये हमें जहां पे हमें इंस्ट्रक्ट करता है ना लेटर लिखने के, राइट ए लेटर टू, तो राइट ए लेटर टू के जस्ट बात तो होता है कौन, जिसको लेटर लिखा जाना है वो, जो राइट ए लेटर टू द एडिटर। तो ये तो जिसको लिखा जाना है, जो पाने वाला रिसीवर वो हो गया। अब इसके आगे जो है वो सब्जेक्ट मेंशन कर देता है, ठीक है, टू बैन द यूजेज ऑफ पॉलिथीन बैग्स इस तरीके से लिख दिया, या फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई लिख दिया, ठीक है इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन से हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। फिर आती है बात आपकी किसकी, सैल्यूटेशन की। तो सैल्यूटेशन में आप इसमें यहाँ पे मान लो आपको पता है कि सामने वाला जेंट्स है तो हम सर कर देंगे, क्लियर। नहीं पता है मान लो आइडेंटिटी इसकी क्लियर नहीं है तो आप दोनों लिख सकते हैं, डीएस सर और मैडम, डीएस सर और मैडम दोनों, है ना, आपको पता नहीं है कुछ भी इस तरीके से सामने वाला कौन है कौन नहीं है। बॉडी ऑफ द लेटर, तो बॉडी ऑफ द लेटर बना लेंगे हम, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी प्रॉब्लम से, फिर मेन कंटेंट और उसको कंक्लूड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। कंक्लूड हम इस तरीके से कर सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे थैंकिंग यू, है ना, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थैंकिंग यू यहाँ पे, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे अपन, यूअर्स, यूअर्स में बाई बड़ा आना चाहिए, एफ छोटा आना चाहिए फेथफुली में, यूअर्स फेथफुली। और सिग्नेचर, सिग्नेचर में यहाँ पे नाम लिख देंगे अपना अरविश, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंडर एड्रेस हो गया, ये डेट हो गई, ये रिसीवर एड्रेस हुआ आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सैल्यूटेशन हो गया, कंक्लूड कर दिया आपने, ये सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, और ये यहाँ पे सिग्नेचर। इस तरीके से जो है कोई भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।